तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ स्पार्क्स ब्रांड के मैन व्हाइट शूज की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, और आपको बताऊंगा कि भाई जो हमारे ये शूज हैं इनकी क्वालिटी कैसी है, प्राइस कितना है और आपको ये बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो भाई चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले कर लेते हैं हमारे शूज की अनबॉक्सिंग और हम दिखाते हैं भाई जो आपके शूज है वो कैसे आते हैं। तो गाइज ये शूज मैंने फ्लिपकार्ट ऐप से मंगाए थे और फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग कुछ आपको ऐसी मिलती है। वैसे तो मैंने इसे पहले ही ओपन कर लिया था बिकॉज मुझे चेक करना होता है कि भाई साइज वगैरह सही आया कि नहीं आया, ये सारी बातें मुझे आपको बतानी होती है। तो भाई आपके सामने जो पैकेज है कुछ ऐसा आता है और दूसरी साइड यहाँ पे आपको आपका एड्रेस वगैरह मिल जाता है। तो सबसे पहले हम अपना जो पैकेज है इसके अंदर से जो हमारे शूज है वो निकाल लेते हैं और गाइज आपके सामने जो बॉक्स है कुछ ऐसा आता है, यानी कि यहाँ पे आपको जो स्पार्क्स की ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। तो सबसे पहले हम अपना जो शू है उसे ओपन कर लेते हैं, यानी कि बॉक्स के अंदर से हम इसे निकालते हैं। तो यार जब इसे हम देखेंगे तो भाई आपके सामने जो शू है वो कुछ ऐसा आता है। तो यार देखने के अंदर मुझे काफ़ी सही लगा था ये, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइनिंग थी या जो इसके कलर्स थे मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, यानी कि काफ़ी अच्छा जो शूज़ है उसकी एक लुक आ रही थी, तो भाई इसलिए ऑर्डर किया था। तो अगर मैं आपको क्लोज से दिखाऊं तो आपके सामने कुछ ऐसा आता है। तो यहाँ पे आपको चार स्ट्रिप्स मिल जाती है, चार इस साइड मिलती है, चार इस साइड मिलती है, और यहाँ पे आपको दो कलर मिलते हैं, एक है ब्लू एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो मिल जाता है। और अगर इसके बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो इनकी ब्रांडिंग है वो मिल जाती है, यहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो मिल जाता है, जो कि देखने के अंदर काफ़ी सही लगता है। और अगर हम इसके अंदर के सोल की बात करें तो यार ये भी मुझे अभी तक तो कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन एक बार मैं आपको पहन के देखाऊंगा, उसके बाद मैं भी देख लूंगा कि भाई इनकी जो अंदर का सोल है वो कैसा है। और साथ में अगर मैं बात करूं इसकी पैडिंग्स की तो यार ये वाली जो पैडिंग है ना यार ये काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लग रही है, यानी कि काफ़ी यहाँ पे आपको कुशनिंग मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि आपका जो फुट है वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा, यानी कि आप लॉन्ग टर्म तक इसे पहन सकते हैं, या चाहे पार्टीज़ में हो या आप कैजुअली इन्हें कहीं भी वेयर कर रहे हो, तो ये चीज़ काफ़ी मुझे सही लगी है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको इस साइड भी जो इनकी ब्रांडिंग है स्पार्क्स की वो मिल जाती है, तो यार ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी है। और इसके अगर बॉटम साइड की बात करें तो आपको कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग मिल जाती है, तो यार बहुत मुझे अभी तक सही लग रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छा एक लुक निकल के आ रहा है। तो अब अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो यार मुझे काफ़ी अच्छे जो शूज़ है वो लगा है। तो एक बार मैं आपको ये शूज़ पहन के दिखा देता हूँ भाई पहनने के बाद कैसे लगता है, उसके बाद मैं देख के बता सकता हूँ कि भाई ये कम्फर्टेबल है या नहीं है। तो गाइज ये शूज़ मैंने आपको पहन के भी दिखा दिए भाई पहनने के बाद कैसे लगते हैं। तो यार अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे काफ़ी सही लगे, यानी कि मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगे हैं। और साथ ही साथ ये शूज़ आपको लाइट वेट मिलता है, यानी कि इनका जो भाई वजन है ना बहुत ही ना के बराबर है, ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगे, यानी कि आप लंबे समय तक इन्हें पहन सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके आउटर मटेरियल की तो आपको जो आउटर मटेरियल है ये आपको सिंथेटिक का मिल जाता है, यानी कि आपको काफ़ी लाइट वेट मिलता है, जो कि काफ़ी मुझे अच्छी बात लगी है। और अगर मैं बात करूँ इसके सोल मटेरियल की तो भाई जो इसका सोल मटेरियल है वो है TPR का, और साथ में ये जो TPR मटेरियल है बिल्कुल लाइट वेट होता है और इसके अंदर बहुत इलास्टिसिटी होती है, जो कि काफी अच्छी बात है, आप देख भी सकते हैं। तो यार ये चीज मुझे काफी सही लगी है। और यहां पे आपको सॉलिड पैटर्न मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर आपको दो कलर्स मिलते हैं, एक आपको ब्लैक मिलता है एक व्हाइट मिलता है, तो व्हाइट कलर जो है वो कुछ ऐसा होता है, और जो ब्लैक कलर होता है आपको जो व्हाइट की जगह बिल्कुल ब्लैक मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रिप्स है वो कुछ अलग कलर की होती है। और गाइस अगर मैं बात करूं इसके साइज की कि भाई मैंने इसका जो साइज है वो क्या ऑर्डर किया था, तो जो मैंने इसका साइज ऑर्डर किया था वो किया था 9UK, और 9UK के ऊपर आपको मिलता है 27.10 सेंटीमीटर, और अगर मैं अपने फुट की बात करूं तो वो था 26.5, यानी कि 26.5 के हिसाब से मैंने अपना जो शो ऑर्डर किया था। लेकिन आप अपने हिसाब से देखना भाई, पहले आप अपनी मेजरमेंट करना और उसके बाद आपको वहां पे जो अपना शूज है उसका साइज सेलेक्ट कर लेना है। और जब मैंने शू बाय किया वहां पे आपको एक ही साइज मिल रहा था, उससे कम में कोई भी साइज नहीं था, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना एक बार यही मंगा के देख लिया जाए कि भाई क्वालिटी वगैरह इस शूज की कैसी है। लेकिन ये मुझे काफी अच्छे से फिट हुआ है, ये चीज मुझे काफी सही लगी है। और गाइस अगर मैं बात करूं कि ये शू मुझे कितने रुपए का मिला, तो भाई ये अगर प्राइस की बात करूं तो बहुत कम प्राइस था, यानी कि 580 रुपए के अंदर आपको भाई स्पार्क्स ब्रांड का इतना अच्छा शू मिल जाता है। और ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपका बजट कम है ना तो भाई आप इन शू की तरफ जा सकते हैं, यानी कि स्पार्क्स
इस ब्रांड की तरफ। यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी और जो इनका सोल है कंफर्टेबल है, ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी है, और साथ ही साथ ये बहुत लाइट वेट होता है। तो यार ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी है, तो आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आपको पसंद आता है तो भाई आप भी बाय कर सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। तो गाइज मैंने आपको इस शूज से रिलेटेड सारी बातें बता दी है, इन्हें पहन के भी दिखा दिया भाई पहनने के बाद कैसा लगता है। तो यार अगर आपको पसंद आता है तो आप भी ट्राई करके एक बार देखना। और गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।